खरगोन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनरों ने एक माह के रुके वेतन और अन्य मांगों को लेकर आक्रोश रैली निकाली, जो कलेक्टर गेट से कार्यालय प्रवेश द्वार तक नारेबाजी करते हुए पहुंचे। यहां अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कहा है कि माह सितंबर का विद्युत मंडल से सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान नहीं किया है। एसोसिएशन के मायाराम पाटीदार, कैलाश चंद डोरे, शरद भावसार आदि ने बताया कि मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की वित्तीय लापरवाही एवं अनियमितता के कारण विद्युत पेंशनरों को माह सितंबर 2022 के पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे पेंशनरों में आक्रोश है। जबकि सेवानिवृत्त कर्मचारी केवल पेंशन पर आश्रित है, यदि त्योहारी सीजन में भी पेंशन नहीं मिलेगी तो वह अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मांग तो ये है कि वर्षों से हमें विद्युत कंपनियां समय पर 1 तारीख पेंशन का भुगतान करती थी, परंतु माह सितंबर 22 का भुगतान अभी 6 दिन हो गए, आज 7 तारीख हो गई, भुगतान नहीं दिया है। उन्होंने ये बहाना किया है कि हमको शासन द्वारा सब्सिडी की राशि नहीं मिली, इसलिए हम आपको भुगतान देने में असमर्थ है। बहानेबाजी की जा रही, शासन प्रशासन और कंपनी के जो MD है मनमानी कर रहे हैं। जितने भी पेंशनर है सब करीब 40 वर्ष से नौकरी करके रिटायर हुए हैं, कोई 35 साल 40 साल हुए हैं और सभी लोग लगभग उसी पेंशन पर आश्रित हैं। अगर समय पर त्योहारों पर ये राशि नहीं मिलेगी तो परिवार आर्थिक संकट से जूझेगा। ये जानबूझकर कंपनी हठधर्मिता कर रही है। इसके बाद भी अगर समस्या का निराकरण नहीं होता तो अभी आज की तारीख में मध्य प्रदेश के सभी जिलों में धरना आंदोलन संभाग लेवल पे हो रहा है, वेट मीटिंग हो रही, ज्ञापन दिया जा रहा है। अगर नहीं मांगे मानी गई आगामी 2-3 दिन में तो धरना आंदोलन पहले होगा, धरने के बाद फिर भूख हड़ताल होगी, उसके बाद आमरण अनशन भी हो सकता है। क्या नाम लिखिए? इंजीनियर MR पाटीदार, पेंशनर एसोसिएशन अध्यक्ष, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।